उन्नाव पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहे उपचुनाव को संबोधित करने के लिए पहुंची योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा बसपा समर्थित केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की जाती थी कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार किसका, लेकिन आज ये कहा जाता है कि देश के संसाधन पर गरीबों का अधिकार है। पूर्व की केंद्र सरकार कहती थी कि केंद्र से 100 रुपये भेजा जाता है तो बिचौलिया 90 खा जाता है और नीचे 10 रुपये पहुंचता है, लेकिन अब मोदी सरकार द्वारा भेजे गए 100 में से 100 गरीबों के खाते में पहुंचते हैं। संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। सपा के लोग डीजे नहीं बचने देते थे कांवड़ यात्रा पर, कांवड़ नहीं निकलने देते थे कांवड़ यात्रा में। कांवड़ किसान के देश में, युवा के देश में तो भोलेनाथ सड़क पर चल रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में आदरणीय योगी सरकार का हेलीकॉप्टर कांवड़ यात्रा पर फूलों की वर्षा किसने किया मित्रों? तो योगी सरकार ने किया। 3 लाख नियुक्तियां हुई है मित्रों, 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा माननीय योगी सरकार ने, किसी युवक का नहीं लगा होगा। सपा ने इस राज्य को लूटा है मित्रों, बसपा ने लूटा है इस राज्य को। कोई बचा सकता है कोरोना जैसे संकट से भी कोई बचा सकता है मित्रों? और चुनौती को अवसर बदलने का काम किसने किया? योगी सरकार ने किया मित्रों। और अमेरिका जैसे 32 करोड़ की आबादी में 28 लाख सक्रिय केस थे और आदरणीय योगी जी के राज्य में मित्रों 24 करोड़ के प्रदेश में मात्र 28,000 ही कोरोना सक्रिय है मित्रों, और लोगों को बचाने का काम किया मित्रों। इसलिए आपके सामने हम लोग आए हैं आदरणीय योगी जी के सम्मान में मित्रों। ये सीट जीतना चाहिए, कवच जीतना चाहिए। एक बार तो तालियों के घबराहट से आदरणीय योगी जी का अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करूं मित्रों। मैं आदरणीय योगी जी को आमंत्रित कर रहा हूं भाषण के लिए मित्रों, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार संकल्प लीजिए आदरणीय योगी जी को कि मैं जिताऊं, मैं यहां से भाजपा को कब्र फिरेगा संकल्प के साथ मित्रों। आदरणीय योगी जी को सारे आमंत्रित करता हूं, दोनों तालियों के घबराहट से माननीय योगी जी का स्वागत करूँ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन